अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सी ध्यान सुनेगा, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का प्राइमरी रूल। और सुनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, लॉ पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को एक्चुअली अच्छे से समझ में आना चाहिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, क्योंकि बिना इसके समझे आप सही तरीके से लॉजिक लीगल रीजनिंग नहीं समझ सकते हैं और आप एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि जिस लॉ को बनाया गया है, जिस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया है, उसमें लेजिस्लेटर की इंटेंशन क्या है। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि आप समझिएगा, आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, उस स्टेटमेंट का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बिकॉज लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके के मीनिंग्स प्रिज्यूम किया जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिएगा मैं आपसे कहता हूँ एक इंसान, अरे यार वो तो बड़ा बदतमीज है। अब मैंने देखिएगा इस बात को बड़े ही पोलाइट वे में, बड़े प्यार से कहा किसी के, अरे तू तो बड़ा बदतमीज है। अब क्या होगा कि इसी को कोई दूसरा इंसान इंटरप्रेट करेगा तो हो सकता है बोलेगा, अरे वो क्या कह रहा था, तू तो बड़ा बदतमीज है। तो अब देख रहे हैं एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एक्सप्रेशन, यू नो व्हाट, जनरल हमारी लाइफ में होता है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर हम बात करेंगे जब लॉ को अप्लाई करने की बात आएगी, और अगर लेजिस्लेचर्स जिन्होंने इतनी ज्यादा एफर्ट्स देके लॉ बनाया है और वहां पर अगर इंटेंशन, उनकी जो इंटेंशन अगर डिफीट हो जाएगी तो वो लॉ बनाने का जो ऑब्जेक्ट था वो खत्म हो जाएगा। आप बात को समझ रहे होंगे, इसलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सकता है। That's why I'm saying कि हर एक लॉ के स्टूडेंट्स को, whether is doing CS or LLB or studying CA studies, किसी भी तरह के कोर्सेज वो कर रहे हो, अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि हम सही तरह से इंटरप्रिटेट कर सकें। ऑलराइट, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, नाउ गेट बैक टू द वर्क। आज का जो टॉपिक है वो बता रहा हूँ प्राइमरी रूल के अंदर, रूल ऑफ एजजम जैनरिस। जी हाँ, एजजम जैनरिस, एजजम जैनरिस, देखिए वर्ड से बोल रहा है, एजजम जैनरिस व्हिच मींस of the same kind or species, which means that, samjhega, think a person of the same kind, exactly they are not same, pehla baat samajhna, exactly same nahi hai, the of the same kind hai, milte julte hain, isliye it's better ki hum uski list bana de। ab meri baat ko pehle dhyan se sunna, tab isko main samjhana aapke liye ekdam samjhana easy ho jayega। main aapse kahun legislature sab kisi law ko draft kar rahe hain, ठीक है, उसको ड्राफ्ट करते वक्त उन्होंने सोचा कि हम किसी सेक्शन को लिखते वक्त, समझ रहे ना, किसी एक्ट के अंदर किसी सेक्शन को लिखते वक्त उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे कि ये सेक्शन इस पर्टिकुलर थिंग पर या पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। तो उन्होंने एक लिस्ट ड्राफ्ट किया, क्या बनाया, लिस्ट बनाया। अब वो जो लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, जो लिस्ट बना रहे हैं वो लिस्ट देख रहे हैं या तो अप्लाई हो रहा है किसी पर्सन पर या फिर थिंग पर, क्लियर। तो थिंग या पर्सन पर जब अप्लाई हो रहा है तो वो सेम काइंड की थिंग उसमें नोट कर रहे हैं। अब फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटीज हैं कि इस तरह की चीजें जो कि सेम काइंड की हैं ये और ऐड हो सकती हैं, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली उसके लिस्ट को पढ़ते वक्त हम देखते हैं लास्ट में उसमें लिखा होता है एट्रैक्शन प्रॉब्लम, ईटीसी, एट्रैक्शन प्रॉब्लम, व्हिच मींस दैट कि यहां जो एट्रैक्शन प्रॉब्लम लिखा हुआ है, एट्रैक्शन का मतलब है ये जो डेफिनेशन है, जो प्रोविजन प्रोवाइडेड है या जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव और एग्जॉस्टेड में दो डिफरेंस है, उसे ध्यान समझ लीजिएगा। जब किसी बात को कहा जाता है इंक्लूसिव, मतलब वहां पर इस बात की अभी पॉसिबिलिटीज है कि वहां लिखे हुए वर्ड्स आगे और रेफर किए जा रहे हैं, मतलब जो स्टेटमेंट्स जो लिखा गया है जिस पे कैटेगरी दी गई है, वैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कैटेगरी दी किसी चीज को, एग्जाम्पल देते हैं, मैंने बोला वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में मैंने बोला अनियन, पटेटो, टमाटो, लेडी फिंगर। तो ये जब मैं वेजिटेबल्स के लिए वर्ड लिख रहा हूँ तो मैंने लास्ट में लिखा एक्सेट्रा, इसका मतलब समझ रहे हैं कि मैं जो लिस्ट लिख रहा हूँ वो बात कर रहा है और रेफर कर रहा है वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स उसी लिस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे, सिंपल है। तो एक्सेट्रा जो रेफर किया जा रहा है उस लिस्ट को बनाते वक्त कहा जा रहा है कि इससे सिमिलर चीजें, इससे ही सिमिलर मतलब सेम काइंड ऑफ द थिंग्स, क्लियर है, ये सेम काइंड ऑफ पर्संस। अब जब हम बात करते हैं रूल ऑफ एजजम जैनरिस का, ये इसी पर बेस्ड है, ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग्स और पर्सन, ये तो चीजों के बारे में बात करेगा या फिर पर्सन की बात करेगा, सिंपल। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए लेजिस्लेचर ने किसी लॉ को ड्राफ्ट किया है
और हमें अगर उस लेजिस्लेटर की एग्जैक्ट इंटेंशन फाइंड आउट नहीं कर पाए, अगर कौन कोर्ट, क्योंकि कोर्ट किसी, याद रखिएगा इंटरप्रिटेशन का काम किसका है, कोर्ट का। जब कोर्ट इंटरप्रिटेट करता है ना लेजिस्लेटर्स के, किसी लॉ को इंटरप्रिटेट करता है, तो लॉ को इंटरप्रिटेट करते वक्त वो ये ऑब्जर्व करते हैं, ये एग्जामिन करते हैं कि लेजिस्लेटर का इंटेंशन क्या है उसको लिखने का, बनाने का। तो जब किसी लॉ में, अब ध्यान सुनेगा, जब किसी लॉ में कोई सेक्शन में लिस्ट प्रोवाइडेड है किन्हीं आइटम्स की, या फिर किसी थिंग की या पर्सन की, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वहां पर एजमन जर्नलिस कैसे एप्लीकेबल होगा उसे हम समझ रहे हैं। पहले हम समझते हैं इसकी जर्नल से डेफिनेशन को, ये प्रिंसिपल क्या बताना चाह रहा है। तो कहता है when general word follows specific word of distinct category, इसका मीनिंग समझेगा। जैसे मैंने आपको बोला भी, when general word follow what specific words of distinct category, let's take example, अगर मैं आपसे कहूँ लिस्ट बनाइए डोमेस्टिक एनिमल्स की, तो आप लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। याद देखिएगा मैंने बोला डोमेस्टिक एनिमल्स, तो आप डोमेस्टिक एनिमल्स की लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे, डॉग, कैट, काउ, बफेलो, हॉर्स, ये आपने बनाना स्टार्ट किया। बात सुन रहा है, आपने क्या किया, एक लिस्ट बनाया, जो मैंने बोला आपको कि क्या बनाइएगा, एक लिस्ट बनाइएगा डोमेस्टिक एनिमल्स की, सिंपल। तो मैंने बोला पहला बात, व्हेन जनरल वर्ड फॉलो स्पेसिफिक वर्ड ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, क्या ये सब एक जैसे हैं? नहीं, ये एक जैसे हैं क्या? हॉर्स बफेलो के, आई होप नहीं है, जानते हैं आप लोग, लेकिन ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। बात समझ में आ रहा है? अब आगे सुनिएगा, इसके मीनिंग को मैं इंटरप्रेट करूंगा पूरा पूरा, ठीक है। आगे कह रहा है जनरल वर्ड, अब जो जनरल वर्ड है ना, जनरल वर्ड टेक मीनिंग, जनरल वर्ड टेक्स मीनिंग, अब जो उसका मीनिंग जो यहां आएगा ना, समझना, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसके मीनिंग को इंटरप्रेट करेंगे तो कैसे, जैसे लिस्ट में लिखे आइटम्स हैं और उसके एंड में लिखा हुआ है एक्सेट्रा, ऐसा इंडिकेटेड हियर, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा का मीनिंग यहां पर ये है कि जो इससे पहले जो वर्ड्स लिखे गए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला हॉर्स बफेलो काउ, आप देख रहे हैं इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए ये जनरल वर्ड्स हैं एंड दे फॉलो अ स्पेसिफिक वर्ड बट डिस्टिंक्ट कैटेगरी, दे आर नॉट कम्स इन द सेम कैटेगरी, आर दे डिफरेंट कैटेगरी, बट है कौन से स्पेसिफिक कैटेगरी के, कौन सी कैटेगरी, डोमेस्टिक एनिमल्स, सिंपल है। अब इसकी डेफिनेशन जरा ऑब्जर्व करें, व्हेन जनरल वर्ड फॉलो स्पेसिफिक वर्ड ऑफ डिस्टिंक्ट, स्पेसिफिक वर्ड कीवर्ड याद रखिएगा, डिस्टिंक्ट, स्पेसिफिक मतलब डिस्टिंक्ट कैटेगरी, क्लियर। जनरल वर्ड मे बी गिवन अ रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग ऑफ द सेम कैटेगरी, क्या सर? हाँ, अब देखो एग्जांपल में मैंने आपको बोला हॉर्स बफेलो काउ डॉग कैट, ये कैटेगरी जो हमने फॉलो कर, हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के बना रहे हैं, तो इनमें सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी क्या है? दे ऑल हैव 4 लैग्स, इन सब में 4 लैग्स हैं, ठीक है। अब आप आराम से अगर देखें यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात है, जनरल वर्ड्स मे बी गिवन रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग ऑफ द सेम कैटेगरी, क्या सर? कॉक या फिर हैन के डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं है? ऑफ कोर्स कॉक और हैन भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, बट यहां वो कह रहा है कि यहीं पर एक जनरल वर्ड जो उसका मीनिंग इंटरप्रेटेट किया जा रहा है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा उसकी सेम कैटेगरी में, डोमेस्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में ही, डोमेस्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में ही हम जब इनको देख रहे हैं, किनको, काउ हॉर्स बफेलो, इनमें एक सिमिलरिटी आ रही है, दे ऑल हैव 4 लेग्स, बट इसी को जब इंटरप्रेटेट करने देख रहे हैं तो इंटरप्रेटेट करते हुए देखा गया कि एक्चुअली हैन और कॉक भी है बट दे हैव 2 लेग्स, हमको पता है, तो ये भले ही सेम कैटेगरी के हैं लेकिन उससे अलग है, दैट्स व्हाई द वर्ड यूज्ड हियर रिस्ट्रिक्टेड, एंड फॉर दैट सेक्स जनरल वर्ड टेक्स इट्स मीनिंग फ्रॉम प्रीसीडिंग एक्सप्रेशन, प्रीसीडिंग एक्सप्रेशन। अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे हो रहा है, सुनिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे आपने लिस्ट बनाया जैसे आप लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, अब लेजिस्लेटर ने ये ऑब्जर्व किया कि ये लिस्ट जो है ये तो इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव समझ रहे हैं ना, दो तरह का डेफिनेशन होता है, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब जिसमें पूरा का पूरी बात कंप्लीट की गई है, उसमें कुछ और ऐड करने का जरूरत नहीं है। इंक्लूसिव डेफिनेशन वहां प्रोवाइड की जाती है जहां पर पॉसिबिलिटीज हैं उससे सिमिलर चीजों की ऐड होने की, कैसे, इसकी लास्ट वाली बातें कह रही है, जनरल वर्ड टेक्स इट्स मीनिंग, जनरल वर्ड टेक्स इट्स मीनिंग
फ्रॉम प्रिसीडिंग एक्सप्रेशन, तभी वहां पे एंड में कहते हम लोग एक्सेट्रा। बिकॉज अगर मैंने लास्ट में यह बात बोला, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अगर ये कहा आपको कि काउ हॉर्स एंड एक्सेट्रा, अगर लिस्ट ऐसा लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर लॉ इन एनिमल्स पे, डोमेस्टिक एनिमल्स पे अप्लाई होगा, जिसमें नाम लिखा हुआ है काउ हॉर्स बफेलो, ठीक है, एक्सेट्रा, तो देन एक्सेट्रा का मीनिंग यहाँ पे अब हम अगर लिखेंगे तो कैमल इज ऑल्सो इंक्लूड। वट? हाँ सर, कैमल। क्यों सर? कैमल को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसका जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में चला गया ना। बस लग रहा है सर, क्या हम यहाँ डॉट लिखेंगे? हाँ डॉट, क्योंकि लेजिस्लेचर का इंटेंशन ये है कि जो यहाँ पर एक्सेट्रा लिखा हुआ है उससे पहले वर्ड वर्ड को ये ऑब्जर्व किया जाएगा। क्या आप देखो ना कि वो किस कैटेगरी का है। अब यहाँ अगर इस कैटेगरी में मैं लिख देता हैम, तो सोचिएगा क्या वो एक्चुअली उसी को सेम एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि जनरल वर्ड्स फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड्स? नहीं। क्लियर है? तो ऐसे केसेस में जहां डेफिनेशन इंक्लूसिव होगा वहां हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, रूल ऑफ एडजेसन जेनरस। अब कंडीशन कुछ आती है, ध्यान से सुनते जाइएगा कि कौन कौन सी कंडीशन का होना जरूरी है जब कोड रूल ऑफ एडजेसन जेनरस को अप्लाई करेगा। पहला मैंने आपको इमीडिएटली बोल दिया, जहां लास्ट में देखा एक्सेट्रा, तो उस स्टेटमेंट को रीड कीजिएगा, उस लिस्ट को रीड कीजिएगा, उस सीरीज को रीड कीजिएगा, उस सीरीज में क्या किस बातों को लिखा गया है, क्या क्या पर्सन थिंग्स को कवर किया गया है, ठीक है, फिर हम देखेंगे। एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कंपनी, तो कंपनी का मतलब यहाँ पर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। आप बॉडी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, आप बॉडी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर मैंने बोला दिस लॉ पर्टिकुलर लॉ अप्लाइज ऑन अ कंपनी, अप्लाई ऑन अ कंपनी का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं, कंपनी आ गया, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, सिंपल। आप फॉरेन कंपनी एंटी करोगे, क्लियर है काम? ऐसे यहाँ पर बात समझेंगे हम कि यहाँ पर हमें देखना होगा क्या, लिस्ट। तो कंडीशन समझेगा पहले, सबसे पहले कंडीशन, पांच छह कंडीशन है, बहुत सिंपल सिंपल सा है, वो कंडीशन अगर अप्लाई हो रहा है तो ये रूल अप्लाई होगा। पहला कंडीशन, पहला कहता है स्टैट्यूट कंटेन इमेजिनेशन। सर क्या स्टैट्यूट कंटेन्स? स्टैट्यूट कंटेन, स्टैट्यू मतलब कानून में, कानून में कोई प्रोविजन है, कोई सेक्शन लिखा हुआ, सेक्शन में क्या लिखा है, कंटेन्स इनुमरेशन बाय स्पेसिफिक वर्ड्स। अब सर इमेजिनेशन मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन मतलब होता है सीरीज और लिस्ट, लिस्ट ऑफ द आइटम्स और लिस्ट ऑफ द थिंग्स और पर्सन। सो स्टैट्यूट, किसी कानून में स्टैट्यूट कंटेन्स, स्टैट्यूट मतलब किसी लॉ में, किसी प्रोविजन में बात लिखी हुई है, जहाँ सीरीज है वो सीरीज फॉलो हो रही है कैसे, बाय द स्पेसिफिक वर्ड्स। स्पेसिफिक वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे कैसे, तो कह रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ इन्यूमरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास। अब इन्हीं को उठा के हमने क्या बनाया, क्लास। बस समझ आ रहा है, जो लिस्ट बनाया जाएगा वो क्या बन गया, क्लास। बहुत सिंपल है, पहला हम क्या बोले थे, स्टैट्यूट कंटेन्स इन्यूमरेशन बाय स्पेसिफिक वर्ड्स। किसी को भी डाउट हो रहा है इन्यूमरेशन मतलब होता है सीरीज और लिस्ट ऑफ द आइटम्स, सिंपल है। तो कह रहा है स्टैट्यूट कंटेन्स, पहली बात कानून में क्या कोई इन्यूमरेशन से कोई लिस्ट प्रोवाइडेड है किसी स्पेसिफिक वर्ड्स की, पहली बात। दूसरी बात, जो जो ये लिस्ट है तो कहता है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेंबर ऑफ इन्यूमरेशन, जो सीरीज बनाई जा रही है, सब्जेक्ट ऑफ सच सीरीज कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास में आ जाएगा। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में लिया डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑलराइट, इसको हम लोग ऐड करेगा, ठीक है। देन सच क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड। सर क्या, अगर ये एग्जॉस्टेड है तो बात ही खत्म हो गया, एक्सेट्रा का कोई यूज नहीं होगा। मैंने बोला, समझो, मैंने आपसे कहा दिस लॉ एप्लीकेबल ऑन काउ हॉर्स कैमल गॉट, और वहां लास्ट में नहीं लिखा एक्सेट्रा या एनी अदर थिंग और एनी अदर पर्सन, ऐसा नहीं लिखा है, तो फिर बात सुनो ना, ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि वहां तो लेजिस्लेशन ने साफ साफ बताई दिया कि इन चार लोगों पे, चार थिंग पर, चार एनिमल्स पे अप्लाई होने वाला है, तो पांचवा तो ऐड ही नहीं होगा। और ये रूल कब अप्लाई होता है, जहां जहां डेफिनेशन इंक्लूसिव होगी, मतलब उसके लास्ट वर्ड से ना, उस सीरीज के लिखे हुए लास्ट वर्ड से, उस आइटम से हम फर्दर एक्सेट्रा का मीनिंग प्रिस्क्राइब करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि जो स्पेसिफिक कैटेगरीज उसने बताएंगे उसी से रिलेटेड। क्लियर एकदम? तो पहला क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, स्टैट्यूट कंटेन्स, पहली बात तो कंटेन्स स्टैट्यूट में क्या होना चाहिए, एन्यूमरेशन बाय स्पेसिफिक वर्ड्स। दूसरा क्या होगा, ये यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इमेजिनेशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इमेजिनेशन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इमेजिनेशन
what constitute a class, इन्हें किसी particular class में बनाएंगे, then such class is not exhausted, अगर exhausted है तो ये rule ही apply नहीं होगा, so inclusive है, मतलब वहाँ scope है, add होने के scopes हैं, ठीक है, वहाँ words add होने के scopes हैं, clear है, तीन बात समझ में आया, चौथा condition समझो, अब देखो पहला बात clear, दूसरा clear, तीसरा clear, चौथा कहता है general terms follow the derivation, कैसा, general term, अरे समझो ना, क्योंकि ये सीरीज में है तो जनरल वर्ड्स उसको फॉलो करना मतलब सीरीज फॉर्म में बनेगा, ठीक है, सीरीज जनरल टर्म फॉलोस द एनुमरेशन, क्लियर है यहां तक, एंड देयर इज अ डिस्टिंक्टनेस, देयर इज अ डिस्टिंक्ट जीनस कंप्राइजेस मोर देन वन स्पीशीज, डिस्टिंक्ट जीनस कंप्राइजेस मोर देन वन स्पीशीज, एक्चुअली क्या करें, देयर इज अ डिस्टिंक्ट जीनस, आप ध्यान से देखो क्या ये लोग सब एक ही जीनस है, नहीं, काउ हॉर्स एनिमल्स they're a distinct genus but they comprises more than one species but inke hi kya ho sakte hain different more than one species ho sakte hain but hame observe kya karna hai ki wo same category follow kar rahe ho simple hai different samjho na fourth kya hai there is a distinct genus comprises more than species clear hai and the last and interesting no indication of okay sir no indication of different legislative intent matlab intention no okay sir indication there is no indication of different legislature intention samjhe na pehla saaf saaf last wali baat bolta hai aur koi specific aisa nahi hona chahiye ki wahan लेजिस्लेशन अगर कोई एक्सप्रेस को डिफरेंट अपना इंटेंशन प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो याद रखिएगा कभी अप्लाई नहीं होगा सर मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि वहां कोई टेक्निकल वर्ड यूज हो गया तो सिमिलर कैटेगरी फॉलो नहीं हो सकती है लाइक एग्जांपल अगर मैं आपसे सिर्फ बोलते डोमेस्टिक एनिमल्स की लिस्ट बनाइएगा डोमेस्टिक लिस्ट एनिमल्स की लिस्ट बनाइएगा तो आप हैन और कॉक को भी ऐड कर लेते क्योंकि वो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं लेकिन अगर हो सकता है कि उसी कैटेगरी के अंदर एनिमल्स के अंदर कैटेगरी डोमेस्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में ही हम अगर ऑब्जर्व करें तो वो भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी बोली एनिमल्स हैविंग फोर लेग्स विल कवर्ड अंडर दिस क्लास अब सर इतना लंबा थोड़ा आपने जो बताया ये सबका मीनिंग क्या है एक्चुअली अप्लाई किस लॉ पे सिंपल है आप कभी किसी लॉ को पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं लॉ पढ़ रहे हैं उसमें एक प्रोविजन लिखा हुआ है जैसा भी मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि हम वेजिटेबल्स की बात करें वेजिटेबल्स पे अगर हम टैक्स लगा रहे हैं तो वेजिटेबल के हमको पहला बताओ चाहिए वेजिटेबल अब अगर मान लीजिएगा वेजिटेबल का तो आइटम बहुत सारा हो जाएगा तो उन्होंने बोला कि मान लीजिएगा दिस यू नो एक लॉ पास हुआ टैक्स के लिए टैक्स में बोला गया कि ये वेजिटेबल्स के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा अब वो वेजिटेबल की लिस्ट में अगर हम मान लीजिएगा हम लोग लेने बैठ गए कि ऑलराइट पोटैटो टमाटो अनियन ऑलराइट लेडी फिंगर ये सब हम लोग लेके बैठ गए गार्लिक अब ये जो हमने बनाया लास्ट में एक सेक प्रॉ तो वो कहना क्या चाह रहा है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं डेली कंज्यूम कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की लिस्ट ठीक है जो कि इस कैटेगरी में नहीं है वेजिटेबल्स कैटेगरी में अगर मैं बोलूँ यहीं पर ही फ्लॉट्स तो फ्लॉट्स और क्या अंदर डिफरेंट नहीं है ऑफकोर्स ये डिफरेंट हो गया क्लियर है अच्छा इसी को जैसे मैंने एनिमल वाले को बोला एनिमल में अगर मैं बोलूँ आपसे वाइल्ड एनिमल्स की लिस्ट बनाइएगा तो क्या वहां पर आप काउ को ऐड करने वाले पोर्स को ऐड करने वाले नहीं वो डिफरेंट हो जाएगा क्लास क्लियर है क्लियर आई होप यहां डाउट आपको क्लियर होगा चार कंडीशन को कुछ कंडीशंस में बताएंगे फटाक से रिवाइज करता हूं इस स्टैट्यूट कंटेन्स एन्यूमरेशन बाय स्पेसिफिक वर्ड्स पहली बात किसी कानून में लिखी हुई हो क्या बातें कोई लिस्ट सीरीज प्रोवाइडेड हो जहां पे स्पेसिफिक वर्ड्स उसको फॉलो किया जाएगा सिंपल दूसरा बात करें सब्जेक्ट ऑफ एन्यूमरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास अब जो ये बना रही है ना हम लोग जो एनिमेशन सीरीज बना रहे हैं ये पर्टिकुलर क्लास हो इस क्लास में बनाएंगे सामने बनाए डोमेस्टिक एनिमल्स ठीक है एंड दिस सच क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड अगर ये एग्जॉस्टेड है तो ये प्लान नहीं होगा क्यों नहीं होगा इंक्लूसिव है रे समझो ना एक्सेप्ट लिखा है मतलब लास्ट वाला वर्ड ड्राइव करेगा क्या सर अगर हमने यहाँ लिखा ना जिससे भी समझाया आपको कैमल तो हम देख रहे हैं कैमल के बाद अगर एक्सेट्रा लिखा हुआ है तो फर्दर जो एनिमल्स में ऐड होगा वो डोमेस्टिक प्लस हैविंग अ फोर लैक्स समझा नहीं क्लियर कोई डाउट देन हमने बोला कि आपको यहां पर सही जनरल टर्म फॉलो देन मैनरेशन ये सीरीज फॉलो करना जनरल टर्म का बेसिक पर्पस क्या है डिफरेंट ना 1 2 3 हॉर्स काउ गोट क्लियर देन जनरल टर्म फॉलोस द
enumeration and there's a no. So kya sir? There's a distinct genus comprising more than one species, and last, no indication of different legislature intention. याद रखिएगा इस रूल को अप्लाई करते वक्त बहुत ही कॉशन के साथ इसे अप्लाई किया जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये डिपार्च करता है, डिपार्चर मतलब यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करता है उसके नेचुरल मीनिंग से. समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं कैटेगराइज करते वक्त जब से क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग, जब हमने क्लास बना रहे हैं तो क्लास बनाते वक्त एक्चुअल क्या हो रहा है, हम काउ हॉर्स अब ये दोनों एक नहीं है, लेकिन हम जब बोल रहे हैं ना, हम जब लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, जब हम लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट बनाते वक्त हमने उनको ऐड करेंगे जो उस कैटेगरी में आएंगे. फॉर एग्जांपल आप अगर बोलेंगे कि सर दुबई में तो लाइन को पालना अलाउड है, तो ओके डोमेस्टिक एनिमल हो गया. सुनेगा, ध्यान सुनेगा, लाइन यहाँ पे ऐड नहीं होगा. आप बोलेंगे सर लाइन के तो चार पैर हो गया ना, फोर लैक्स लाइन हैविंग फोर लैक्स, तो उसे भी ऐड कर लीजिएगा. नहीं, अगर उसे अप्लाई कर देंगे ना यहाँ पर तो मीनिंग एकदम बदल जाएगा. इसलिए इसे अप्लाई करते वक्त बहुत ही ध्यान से अप्लाई किया जाएगा. क्लियर है? Alright, I hope समझ आया होगा. एक बार जाके फटाक से इसका रीड को रीड ओपन लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, एंजॉय कीजिएगा.